आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब हम कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हमें किन लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम किस तरह से स्ट्रेटेजिकली मूव करें कि इन लीगल चैलेंजेस को फेस करना ही ना पड़े। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 लीगल चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा जो हर स्टार्टअप को स्टार्ट में फेस करना पड़ता है। So, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके ऊपर केस हो गया या आप किसी केस में फंस गए हैं तो उससे कैसे बाहर निकले। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से मूव करें कि आप किसी केस में फंसे ही ना। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि किसी भी बिजनेस के फेलियर का या बिजनेस के बंद होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे रीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वो होता है लैक ऑफ लीगल नॉलेज और लैक ऑफ लीगल असिस्टेंस। मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज हमें बिजनेस के स्टार्ट में ही आता है, जब हम बिजनेस को स्ट्रक्चर करते हैं। इसे हम कहते हैं बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज क्या है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा कि हम कई तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को ओन और कंट्रोल करता है। नंबर 2, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 या 2 से जायद पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। नंबर 3 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। किसी एक पार्टनर के जरिए किए हुए कंडक्ट के लिए हम दूसरे पार्टनर्स को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। नंबर 4 होता है 1-person कंपनी, OPC। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि एक सिंगल पर्सन ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले तक OPC का कोई प्रोविजन नहीं था। 2013 के बाद से ये प्रोविजन इंडिया में आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम एक्चुअल में कंपनी कहते हैं, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि यही हमारे बिजनेस के फ्यूचर को डिसाइड करता है। चूजिंग द राइट इनकॉर्पोरेशन, ये उसका बेस्ट तरीका है कि जब हम बिजनेस को अपने इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन ऐसे स्ट्रक्चर में करें जिसे हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट तो कर दिया, और आने वाले 5 साल में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें हमारे कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स चाहिए, हमें फंड रेज करना है। तो उस वक्त तो आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर ये ऑप्शन है ही नहीं। ये ऑप्शन तो आपको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलता है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज का सबसे बेहतरीन सलूशन है चूजिंग द राइट इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम जो चैलेंज फेस करते हैं वो होता है हमारे बिजनेस के लिए पार्टनर, डायरेक्टर और को फाउंडर को चूज करना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में से ही अपने पार्टनर, डायरेक्टर और को फाउंडर्स को चूज कर लेते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हमारे दरमियान में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। सो अपने बिजनेस को और अपने रिलेशनशिप को क्लैशेस से बचाने के लिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है चूजिंग द राइट पार्टनर, डायरेक्टर, को फाउंडर फॉर योर बिजनेस। ये आप किस तरह से कर सकते हैं, अपने पार्टनर को, डायरेक्टर को या को फाउंडर को आप जब चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका हिस्ट्री चेक कीजिए, उनका वर्क प्रोफाइल चेक कीजिए, उनकी एक्सपर्टीज चेक कीजिए, उनका एक्सपीरियंस चेक कीजिए और लास्ट में उनका बिहेवियर चेक कीजिए। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप किसी को अपने बिजनेस के लिए अपना पार्टनर, डायरेक्टर या को फाउंडर बनाइए। अब आपने अपने बिजनेस के लिए राइट पार्टनर, डायरेक्टर, को फाउंडर को तो चूज कर लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आप अपने पार्टनर, डायरेक्टर, को फाउंडर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, ताकि उनके उनको पता हो कि उनके
राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वो सारी चीजें जो है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं वो करते हैं एम्प्लॉयज के साथ। हम एम्प्लॉयज को किस तरह से हायर करते हैं? कोई बंदा हमसे मुलाकात के लिए आया, बातचीत में अच्छा है, ईमानदार है, भरोसे वाला लग रहा है, हम उसको काम पे रख लेते हैं। कोई बहुत तजुर्बेकार लग रहा है, बहुत नॉलेजेबल है, हम उसको काम पे रख लेते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को वर्बली अपॉइंटमेंट ना करें, नो वर्बल रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसको एम्प्लॉयमेंट पर रखने से पहले उसका ऑफर लेटर, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसका एग्रीमेंट, उसका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो सारा उसके साथ आप साइन करा लीजिए। आप इस तरह से उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे तो फ्यूचर में आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय को भी साइकोलॉजिकली ये पता होगा कि उसने एग्रीमेंट को साइन किया, उसने कुछ लिख के दिया है, तो वो आपको और आपकी कंपनी को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। नो वर्बल एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है लीगली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट तो बनवा लेते हैं लेकिन आपका एग्रीमेंट जो है वो लीगली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ पैसा बचाने के लिए आप गूगल पर गए, आपने कॉपी पेस्ट किया और आपका एग्रीमेंट रेडी हो गया। नहीं, आप किसी एक्सपर्ट से अपने एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करवाइए। अगर इसके अंदर दो पैसा आपका ज्यादा लगता है तो इसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के दो पैसा ज्यादा लगा लीजिए, क्योंकि यही दो पैसा फ्यूचर में आपका लाखों रुपया केस कबाड़े में बचाने वाला है। सो अगर आप अपना एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको एक अच्छा लीगली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट बनाने में आपकी हेल्प करेगी। सो एग्रीमेंट बनाते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है? तो सबसे पहला कि अपने एग्रीमेंट के अंदर नोटिस पीरियड क्लाउज बहुत जरूरी है, इसको मेंशन करें आप। क्योंकि आपने सुना होगा कि आपने किसी बंदे को काम पर रखा, उसको आपने ट्रेनिंग दी, आपने उसको सब कुछ सिखाया, अब उसको काम आ गया तो वो बगैर बताए आपको काम छोड़कर भाग गया। सो नोटिस पीरियड क्लाउज रखना बहुत जरूरी है। इससे कैसा है कि आप अपने एम्प्लॉय को बाउंड कर सकते हैं कि वो बगैर आपको नोटिस दिए काम छोड़कर नहीं जा सकता। वो 30 डेज की नोटिस हो सकती है, 60 डेज की हो सकती है, 90 डेज की हो सकती है, जो आपके बिजनेस में चलता है आप उतना उसके अंदर पीरियड रखिए, और सेम आप भी उसको बगैर नोटिस दिए काम से नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, आप अपने एग्रीमेंट में खास तौर पे टर्मिनेशन क्लाउज ऐड करवाइए, ताकि आपको और आपके एम्प्लॉयज को पता रहे कि किस किस ग्राउंड पे आप अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉय का कंडक्ट बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव है, वो काम नहीं करता है, तो आप सिर्फ इस बेस पे उसको झेलते रहते हो कि भाई उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका रिलेशनशिप सबसे अच्छा है, तो हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन प्रोडक्टिविटी भी एक ग्राउंड हो सकता है आपको अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने का। थर्ड पॉइंट जो आपको अपने एग्रीमेंट में ऐड करवाना है वो है नॉन कम्पीट क्लाउज। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसे नेचर का है कि आपका एम्प्लॉय अगर आपको छोड़ के जाता है तो हो सकता है कि वो आपके कॉम्पिटिटर के साथ में काम करना शुरू कर दे, या फिर हो सकता है कि वो आपके ही सामने आपका अपना खुद का बिजनेस वो स्टार्ट कर दे और आपको ही कॉम्पिटिशन देना शुरू कर दे। तो इसके लिए आप अपने एग्रीमेंट के अंदर नॉन कम्पीट क्लाउज जरूर ऐड करें और उसके अंदर कोई ड्यूरेशन डाल दे कि अब ये जॉब छोड़ने के बाद आप मिनिमम इतने टाइम तक मेरे किसी कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं कर सकते या सेम काइंड ऑफ बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लास्ट चैलेंज जो हम एम्प्लॉयज के साथ फेस करते हैं वो होता है लेबर लॉस से रिलेटेड। सो आप किसी एडवोकेट के साथ कंसल्ट कीजिए और अपने स्टेट का और सेंटर का जो लेबर लॉ है उसको आप समझिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। थर्ड चैलेंज जो आज के डिजिटल दौर में हर स्टार्टअप फेस कर रहा है वो है डेटा डिस्क्लोजर एंड डेटा थेफ्ट। क्योंकि आज के इस दौर में हर चीज डिजिटल होते जा रही है, हमारे डेटा जो है वो सर्वर पर होते हैं, क्लाउड पर होते हैं, आप किस किस एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है NDA, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। का मतलब ये है कि आपके और आपके एम्प्लॉयज के दरमियान जो भी डिस्कशन होता है या जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इंफॉर्मेशन को, वो डिस्कशन को वो एम्प्लॉय किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करेगा। तीन मेजर जगह के ऊपर हमें NDA की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, एम्प्लॉयज के साथ।
जहां पर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जहां पे आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ आपके बिजनेस सीक्रेट को शेयर करना ही पड़ेगा, या फिर आपका जो एम्प्लॉय है उसकी पोजीशन ऐसी है कि जब तक आप उससे डिस्कस नहीं करेंगे या आप उसके साथ अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करेंगे, आपकी बिजनेस की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने एम्प्लॉय के साथ में NDA साइन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है गोइंग फॉर डिजिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, डिजिटली लेके जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए वेबसाइट की जरूरत होगी, ऐप की जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और इनके लिए आप कॉन्टैक्ट करेंगे डेवलपर्स से, और डेवलपर्स के साथ आप अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट्स जो है वो शेयर करेंगे, ताकि वो आपके ऑनलाइन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वो डेवलप करेंगे उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को वो लोग फीड कर सके। तो उनके साथ में NDA साइन करना बेहद जरूरी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। थर्ड है इन्वेस्टर्स के साथ में। आप अपने बिजनेस के अंदर अगर आप फंड रेस करना चाहते हो तो, और या कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपको आपके बिजनेस के सारे सीक्रेट्स उस इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा, आपका ब्लूप्रिंट बताना पड़ेगा, आपका फ्यूचर जो प्रोग्राम है वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। जब उसको आपके बिजनेस पे ट्रस्ट होगा, जब भी वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ में NDA साइन करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर कहीं किसी के साथ में डिस्क्लोज ना कर सके। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर ये तो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत रिच आदमी है, हम इसको किस तरह से इसके साथ में NDA साइन कर सकते हैं। सो अगर आप अपने बिजनेस को सेफ रखना चाहते हैं, तो कोई भी हो, जिसको भी आपने अपने बिजनेस के सीक्रेट्स शेयर किए हैं, उनके साथ NDA साइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ चैलेंज जो नए स्टार्टअप फेस करते हैं वो है पेमेंट डिले या फिर पेमेंट स्टक, और वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे पहला सोल्यूशन है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस को अगर मैं लेमैन वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है किसी के बारे में जानना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप अपने वेंडर्स के बारे में या अपने कस्टमर के बारे में, आपको जब अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए कि उसके पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, वो फ्रॉड तो नहीं है, उसने अगर किसी के साथ में काम किया है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नया नया कारोबार शुरू किया है, आपको ऑर्डर आ रहा था, आपने ऑर्डर ले लिया, तो इसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। सेकेंड सोल्यूशन क्या है पेमेंट डिले या पेमेंट स्ट्रक से बचने का? वही फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आपके कस्टमर से आपके वेंडर के साथ में आपका क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। आप अगर एग्रीमेंट को क्लियर रखोगे तो ये आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो क्लियर रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ में वो सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाता है कि उसने कुछ लीक कर दिया है तो वो फ्यूचर में आपके साथ में फ्रॉड करने के बारे में नहीं सोचेगा, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो पेमेंट फंसने की आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जब आप एग्रीमेंट आप वेंडर या कस्टमर के साथ में एग्रीमेंट बनाने लगे तो दो चीज का ख्याल रखें। पहला तो ये कि पेनल्टी क्लॉज, कि उसके अंदर एक फेयर पेनल्टी उसके अंदर ऐड करें, ताकि उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहे कि अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसको जो एक्चुअल अमाउंट है उसके साथ में पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। दूसरा, इसके साथ में आप ध्यान रखें कोई सिक्योरिटी, कोई ना कोई सिक्योरिटी आप इसके अंदर ले लीजिए। आप अगर आज ऑर्डर कुछ माल भेज रहे हैं या कुछ ऑर्डर आप ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी आप ले लीजिए। आप सिक्योरिटी चेक भी ले सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के ऊपर भी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। फिफ्थ चैलेंज जो एक स्टार्टअप फेस करता है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई शॉप खरीदा या कोई लैंड खरीदा, तो उसकी रजिस्ट्री मैं करता हूं तो ये हो गई मेरी, उसके ऊपर राइट हो गया मेरा। लेकिन जो थॉट या जो आइडियाज मेरे दिमाग से निकले हैं मैं उनको कहां रजिस्टर करूंगा, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं सबसे पहले ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के ऊपर मैं एक फुल फ्लेज वीडियो आगे बनाने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ट्रेडमार्क जो है वो आपके ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क हो सकता है, या फिर लोगो का हो सकता है, या फिर आपके ब्रांड जिंगल का हो सकता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या है कि आप कोई भी चीज अगर आप उसको बनाते हैं, जैसे कि आप ऑडियो बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई आपने एक सॉन्ग कंपोज किया है या आपने कोई बुक लिखी है, तो उस चीज को आप कॉपीराइट कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा जो है आपकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल ना कर सके।
थर्ड इसके अंदर है पेटेंट। पेटेंट के अंदर क्या आ जाता है, कोई नया इन्वेंशन अगर होता है कि आपने कोई नई मशीनरी बना दी या कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला बना दिया जिससे कि पूरा आप वर्ल्ड एट लार्ज को उससे आप फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वो फॉर्मूला कोई और यूज ना करे, इसके लिए आप उसके लिए आप उसका पेटेंट ले। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लॉ रिलेटेड टू बिजनेस और ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। नाउ टू एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।